दोस्तों इस वक्त हो रहे हैं रात के 4:15 और मैं जा रहा हूँ मस्जिद हरम। सन्नाटा है सब तरफ, कोई भी नहीं है। ये देखें मेरे पीछे, यहाँ पे भी देखें, ये भी लॉबी खाली है, इधर से भी लॉबी खाली है और लिफ्ट के एरिया भी खाली है। फजर की नमाज़ की अदायगी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज जो है वो जुम्मे की नमाज से पहले तीसरी दफ़ा जो है वो मैं अहराम बांधूंगा मस्जिद आयशा जाके, और तीसरा उम्र अदा करूँगा। उसके बाद जो है इंशाअल्लाह ताला ज़्यारतों पे जुम्मे की नमाज़ से फ़ौरन बाद कोशिश करूँगा जुम्मे की नमाज़ से पहले ही उम्र अदा कर लूँ। जुम्मे की नमाज़ से फ़ौरन बाद जो है वो ज़्यारतों पे जाएंगे इंशाअल्लाह, और फिर जो है वो कल सुबह जो है वो वापसी मदीना रवानगी है। दोस्तों मैं आ गया नीचे, और मैं एक बात आप लोगों को और इसमें ऐड कर दूँ कि ये जहाज इस होटल में मैं रुका हुआ हूँ अल किस्वा टावर्स में, सही है, और ये ब्लॉक 1 में मेरा स्टे है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ कि इनकी अपनी शटल सर्विस है, जो लोग पैदल नहीं ज़्यादा चल सकते या पैदल नहीं जा सकते हैं तो यहाँ से शटल सर्विस है, वो मस्जिद हरम लेकर भी जाती है और वहाँ से वापस भी लेके आती है, और फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस है, इसमें चार्जेस नहीं लेते ये लोग और फ्री चार्जेस हैं। अगर आगे ही कुछ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, अभी तो टाइम है नमाज में, बहुत क्यों ना कुछ खा पी लिया जाए। आप लोगों को भी दिखाता हूँ यहाँ पर क्या अवेलेबल है और क्या मिल रहा है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स पे, और ट्राई करते हैं मतलब फास्ट फूड वगैरह खा के मैं थक गया। फास्ट फूड KFC और अलबेग मैकडोनल्ड तो बहुत खा लिया, अब पाकिस्तानी आइटम कुछ ट्राई करते हैं। सामने जो लाइटें नज़र आ रही हैं आपको बिल्डिंग के नीचे, ये सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं। चल के देखते हैं क्या मिल रहा है, क्या अवेलेबल है इस वक्त, क्योंकि रात को खाना मैंने बहुत जल्दी खा लिया था और मुझे इस वक्त भूख लग रही है, तो इंशाल्लाह ताला कुछ ट्राई करते हैं। इस शटल सर्विस में बात कर रहा था, ये आप देख रहे हैं ये बसें जा रही हैं, और ये देखें मेरे पीछे, ये देखें ये बसें आ रही हैं, तो ये सारी शटल सर्विस हैं होटल की तरफ से जो प्रोवाइड की जाती है। मैं इधर आया था पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे, ये देखें पीछे मेरे, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी अभी तो पराठा अवेलेबल नहीं है, रोटी सालन है, और सुबह सुबह तो रोटी सालन, तो फिर नमाज से बाद मिलेगा, तो इंशाअल्लाह नमाज से बाद ही फिर कुछ देखेंगे नाश्ते के लिए। एक दो होटल और हैं वो ट्राई करते हैं, उधर चेक करते हैं कि क्या अवेलेबल है। हाँ तो जी, दूसरा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे मैंने जो है वो राइस ऑर्डर किए हैं, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, मैंने कहा कि कुछ खा लिया जाए, राइस ऑर्डर किए, राइस खाते हैं, ट्राई करते हैं यहाँ के राइस किस तरह के हैं पाकिस्तानी राइस। तो दोस्तों खाना खा लिया है, और इस वक्त टाइम हो रहा है 12:10, और लोग मस्जिद हरम की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है वो एरिया जहाँ पे जो है वो शटल सर्विस आगे रुकती है, और यहाँ से ये देखें इनको अपने अपने होटल से इनके लाकर यहाँ ड्रॉप करती हैं। ये ब्रिज के नीचे से हमने ऊपर जाना है, ये शटल सर्विस का इलाका एरिया है पूरा।
दोस्तों मैं पहुंच गया मस्जिद हराम में। जी ये है वो खुशनसीब कबूतर जो हर वक्त हरम की बगावों में रहते हैं और नंबर 115 से जो है मैं दाखिल हो गया हूँ मस्जिद हरम में। और ये देखें सारा एक्सटेंशन का काम कंटिन्यू चल रहा है, इस वजह से इन्होंने ये दरवाजे ज़्यादातर बंद किए हुए हैं सारे। कुछ मखसूस दरवाज़े हैं जहाँ से लोगों को अंदर आने जाने की इजाज़त है। गेट नंबर 79 से जो है वो सिर्फ़ उमरा करने वाले हजरात जो हैं वो अंदर इंटर हो सकते हैं, बाकी इसके अलावा और किसी को इजाज़त नहीं है। खूबसूरत मनाजिर मस्जिद हरम के, और सब लेडीज़ का नमाज़ पढ़ने का एरिया है, जेंट्स की नहीं जगह आगे। ये अल किस्वा टावर्स की बस, उनकी शटल इस होटल में मेरा स्टे है, तो इंशाल्लाह ताला मैं भी इसी के थ्रू जाऊंगा। अब जा रहे हैं अगर फाइनली दोस्तों मैं आ गया होटल और अब बस आराम का टाइम है।